हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। और ये हमारे चैनल एमजे फॉर अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। तो आज ही हमारा वीडियो नंबर 21। और वीडियो नंबर 20 में हमने किया था एक एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ बनाया था। तो आज हम करेंगे अपना स्टार्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो दो तरीके की एडजस्टमेंट होती है, मैंने यहाँ पे बता रखा आपको कौन कौन सी है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, मतलब मुझे क्या करना है यहाँ पे, इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा मुझे, क्या नहीं दिया होगा, जो न्यू पार्टनर, जो इनकमिंग पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो मुझे दिया नहीं होगा, तो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर का क्या मतलब है यहाँ पे, न्यू पार्टनर का मतलब है जो इनकमिंग पार्टनर है उसकी कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे मुझे। और दूसरे तरीके की एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स। यहाँ पे कहता है हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, मतलब जो पुराने पार्टनर है उनकी कैपिटल को एडजस्ट करो, कुछ नए तरीके से बांटो, नए रेशियो में बांटो। किसके बेस पे? नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। तो हम आज पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास पहली एडजस्टमेंट है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो मतलब मुझे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे क्या कैलकुलेट करना है, नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप लिख रखे हैं, आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अच्छे से समझ में तब आएगा आपके जब मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले आपको समझा देता हूँ एक बार। कहता है स्टेप वन में कैलकुलेट टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मतलब मुझे ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। एडजस्टेड कैपिटल का क्या मतलब है, एक उनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी होगी, फिर उसमें मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, जैसे कुछ गुडविल मिलेगी उन्हें, या कुछ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा, कोई जनरल रिजर्व मिलेगा। तो उन सब चीजों की एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आएगी ओल्ड पार्टनर्स की वो कैलकुलेट करनी है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में है कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यहाँ पे मेरे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आ जाती है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में मैं पूरे फर्म की कैपिटल निकाल सकता हूँ ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से। कैसे? जो मेरी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आई उसको मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल से, किसके रेसिप्रोकल से, ओल्ड पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल से। मतलब जो मेरा स्टेप वन आया उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके रेसिप्रोकल से, जो ओल्ड पार्टनर का शेयर है उसके रेसिप्रोकल से। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, स्टेप वन इंटू रेसिप्रोकल ऑफ टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जितना ओल्ड पार्टनर का शेयर है उसका रेसिप्रोकल, उससे हमारे पूरे फर्म की कैपिटल आ जाती है। उसके बाद थर्ड जो स्टेप हमारे पास वो है कैलकुलेट शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो मतलब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल का शेयर कितना बैठेगा। तो जो भी स्टेप टू आया, स्टेप टू से क्या आया हमारा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाती है हमारे यहाँ पे, कि नए फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अब मुझे उसमें इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, तो जो मेरा स्टेप टू आया, मतलब जो टोटल कैपिटल आई फर्म की, उसमें से उसका शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। तो स्टेप टू इंटू शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका शेयर आ जाएगा यहाँ पे कितनी कैपिटल से लानी है। तो अच्छे से समझ में आएगा आपके कब, जब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। तो एक करते हैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 और बुक है सेम टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन हमारे पास। और क्वेश्चन कहता है एल एम एन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:1, देयर बैलेंस शीट दे रखी है मुझे यहाँ पे। उसके बाद कहता है ऑन द डे अबाउट इट ओ वॉज एडमिटेड इन द न्यू पार्टनर एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है ओ, और कुछ बता रखा है मुझे। पहले पॉइंट में बोलता है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहता है 2:1:1 है, और गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,80,000 एंड ओ ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ प्रीमियम इन कैश। तो 1,80,000 पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है और वो कहता है अपनी गुडविल कैश में लेके आएगा। और आगे क्या रखा है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज 36,000, तो जल्दी से आप मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे टिक कर लीजिए। उसके बाद आता है मशीनरी विल बी रिड्यूस 258,000, मशीनरी पे टिक कर लीजिए, इस पे भी एडजस्टमेंट है। अ क्रेडिटर्स 6,000 वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम,
तो क्रेडिटर्स पे भी टिक कर लीजिए। उसके बाद आता है ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल सो एज टू गिव हिम 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो कहता है ओ अपनी प्रोपोर्शनेट जितनी उसकी कैपिटल बनती है उसकी कैपिटल लाएगा। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट आपको दो तरीके बताई थी। जो पहली वाली थी वो यही है। क्या कहता है यहाँ पे, वो कह रहा है कि वो अपनी प्रोपोर्शनेट की कैपिटल लेके आएगा, मतलब उसकी कैपिटल मुझे फाइंड आउट करनी है। और फाइंड आउट कैसे करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे। उसके बाद कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो स्टार्ट करते हैं हम, बैलेंस शीट में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स पे कुछ एडजस्टमेंट थी, बिल्कुल थी। तो क्रेडिटर्स को लिख लीजिए 1,68,000 यहीं पे, क्योंकि एडजस्टमेंट थी। उसके बाद देखा जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कहाँ पे आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में सबसे पहले आता है बाय बैलेंस। तो बैलेंस हम ऐसे लिख लेते हैं अभी। उसके बाद लिखते हैं जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व जो होता है वो बढ़ता है ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो दे रखा है यहाँ पे 3:1। और जनरल रिजर्व कितना दे रखा है आपका 42,000। तो कितना आता है, ये आता है आपका 21,000, 14,000 एंड 7,000। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 42,000 के जनरल रिजर्व को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद दे रखा है कैपिटल एल एम एन की, तो ये भी लिख देते हैं हम कितने कितने दे रखी है, 1,20,000, 80,000 एंड 40,000। ये आपको पता ही है, बैलेंस शीट में पढ़ रहे हैं हम, लायबिलिटी साइड में सारी चीजें हो गई हमारी। उसके बाद दे रखा है बैंक साइड में क्या दे रखा है, 34,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे असेट साइड में लिखेंगे बैंक, लेकिन इसके आगे हम लिखेंगे वर्किंग नोट। मैंने बताया था बैंक या कैश के अमाउंट में निकालनी पड़ेगी क्योंकि उसमें चेंज हो जाता है। उसके बाद दे रखा है डेटर्स 46,000 के, तो डेटर्स पे हमने टिक नहीं कर रखा है, तो हम डेटर्स ऐसे ही लिख देंगे 46,000 रुपीज के। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक, स्टॉक दे रखा है 2,20,000 रुपीज का, तो स्टॉक पे भी हमने टिक नहीं कर रखा है, ये भी ऐसे लिख दीजिए 2,20,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे हमने टिक कर रखा है। तो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे हम, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट हम यहीं पे लिख देंगे 60,000 रुपीज, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद कहता है फर्नीचर है 20,000 का, इस पे टिक नहीं कर रखा है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद है मशीनरी 70,000, तो मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है, तो जिस पे एडजस्टमेंट है उसको हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको हम यहीं पे लिखेंगे अभी 70,000 रुपीज। तो मैंने बैलेंस शीट से सारी चीजें लिख ली हैं। उसके बाद आते हैं हम एडजस्टमेंट पे। तो पहला पॉइंट था इसमें द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखेंगे बाद में। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 1,80,000, तो गुडविल कहता है 1,80,000 रुपए की है, और ओ अपने शेयर की गुडविल लेके आएगा। तो सबसे पहले गुडविल का ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, या गुडविल का बाद में करते हैं, पहले आगे देख लीजिए। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज रुपीज 36,000, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कहता है 36,000 है, और इन्वेस्टमेंट यहाँ दे रखे थे 60,000 रुपीज। तो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, और कम हो रही है तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और ये कहाँ पे आएगा, डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन में लिख दीजिए इसको टू इन्वेस्टमेंट। तो कितने से कम होगी ये वैल्यू, ये वैल्यू कम होती है आपकी 24,000 से, कैसे आएगा 60,000 माइनस 36,000। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 58,000, और मशीनरी की वैल्यू कह रहा है कि 58,000 हो जाती है, और मशीन थी कितनी आपकी 70,000 की मशीन थी, 70 से केवल 58 रह गई, तो मशीन में भी लॉस हो रहा है, उसको भी हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू मशीन। तो 70 माइनस 58 करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका बिल्कुल 12,000 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो वो कहता है क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम द अमाउंट एंड हेंस वाज टू बी रिटन ऑफ। कहता है 6,000 के क्रेडिटर्स मुझसे पैसा ही नहीं मांगेंगे, मतलब 6,000 के क्रेडिटर्स क्या करेंगे, कम हो गए क्रेडिटर्स। अगर क्रेडिटर्स कम होंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे फायदा होगा हमें बाय क्रेडिटर्स, बिल्कुल फायदा होगा, क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना हमें। तो 6,000 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ से माइनस कर दीजिए जितने कम हो गए, तो क्रेडिटर्स में से आप 6,000 माइनस कर लीजिए, ये आता है आपका कितना, बिल्कुल 1,62,000। ऐसे हमने मशीन में से भी कम करने थे 12,000 रुपए, तो मशीन में से 12,000 माइनस कर दीजिए और ये आ जाता है आपका 58,000।
और ऐसी इन्वेस्टमेंट में से माइनस करने थे कितने 24,000, क्योंकि 36,000 की वैल्यू रह गई थी, तो यहाँ पे लिख दीजिए 36,000 आ जाता आपका। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अब जो पॉइंट है क्या था वो कर लेते हैं, जिसमें बोल रहा था कि गुडविल के बारे में कह रहा था, गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड 1,80,000, तो गुडविल के बारे में करते हैं हम वर्किंग नोट नंबर 1। गुडविल ये रखी है 1,80,000 और जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर कितना है, अगर हम यहाँ पे ओल्ड रेशो लिख दें तो ओल्ड रेशो है 3:1 और न्यू रेशो लिखा है तो न्यू रेशो है 2:2:1:1। तो नया पार्टनर का शेयर कितना हो गया यहाँ पे, बिल्कुल ×1/6, तो ये आ जाता है आपका 30,000 रुपीज। तो नए पार्टनर को जो गुडविल लानी है वो 30,000 लानी है। अब इस गुडविल को कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिल्कुल सही कहा आपने, सैक्रिफाइजिंग रेशो में। तो अब हम यहाँ पे सैक्रिफाइजिंग रेशो कंप्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सैक्रिफाइजिंग रेशो निकाल दिया आपके लिए, क्या शेयर सॉरी क्या फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइजिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो एम का यहाँ पे ओल्ड शेयर है 3/6 और एम का न्यू शेयर है 2/6। तो ऐसे ही मैंने एन का निकाला, ऐसे ही ओ का निकाला। फिर उसके बाद मैंने देखा कि सैक्रिफाइस तो केवल एम कर रहा है, ना एन कोई सैक्रिफाइस कर रहा है ना ओ कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, इनका 0-0 आ रहा है। तो सारी गुडविल किसको मिलेगी, केवल एम को। तो अगर आप यहाँ एंट्री बनाएंगे तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि गुडविल कैश में ला रहे हो तो 30,000 की गुडविल लेके आया हो। अब इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्या एंट्री बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगी गुडविल, एम को मिलेगी, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। तो सारी गुडविल हम एम को दे देंगे 30,000 के 30,000। तो कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, क्या 30,000 × 1/6 कर देते हैं, यहाँ पे 1/6 नहीं करना है। क्यों, क्योंकि सारी की सारी गुडविल जो है 30,000 रुपए की वो एम को मिल जाएगी। तो सारी गुडविल हम एम को दे देंगे और यहां पे लिख देंगे क्या, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये लिख देंगे हम एम के शेयर में 30,000 रुपीज। तो ये लिख दिया हमने। अब क्या रह गया इसमें, अब रह गया है इनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है मुझे। तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे पहले मुझे अपना रिवेल्यूशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो हम रिवेल्यूशन अकाउंट अपना क्लोज करते हैं और प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो इधर आ रहे हैं आपके 6,000 और इधर आ रहे हैं 36,000। तो 36,000 और माइनस करेंगे तो बाय लॉस आएगा आपका 30,000 रुपीज। अब इस 30,000 रुपीज को बांट दीजिए एम एन ओ में, कौन से रेशो में, इनके ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो है 3:1। तो ये आ जाएगा आपका 15,000, 10,000 and 5,000, ये लॉस आ गया। अब इस लॉस को ट्रांसफर कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसको किस नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो लॉस आया हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं 15,000, 10,000 and 5,000 रुपीज। अब निकालिए इनके बैलेंसेस, किसके बैलेंसेस, एम और एन के। हम इसके बैलेंसेस तो निकाल सकते हैं एम एन ओ के, जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो तीनों के बैलेंस निकालिए कैसे आएंगे, 1,20,000 + 30,000 आ जाता है आपका 150 और 171,000। तो इस 171,000 रुपीज और 15,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 156,000 रुपीज। ऐसे हम एन का निकालेंगे, एन का आता है यहाँ पे 94,000 एंड माइनस कर देंगे 10,000 तो 84,000। तो अब हम ओ का करेंगे, ओ का टोटल आता है 47,000 माइनस 5,000 42,000 रुपीज। तो चेक कर लेंगे आप आंसर में आपके सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है किसकी, पी की। अब यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, आपको चेक कर लेना, वैसे नाम दे रखे हैं इसमें एल एम एन ओ, मैंने यहाँ लिख दिए एम एन एन ओ पी। तो आप कोई बात नहीं, नाम से कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे किसकी, पी की, और बुक के हिसाब से चेक करेंगे तो ओ की।
तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, जो इनकमिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल निकालनी है किसके बेस पे, पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। तो पुराने पार्टनर की इस वाली कैपिटल के बेस पे निकालना है, जो मैंने बताया था आपको एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब ये वाली कैपिटल, सारी एडजस्टमेंट कर ली मैंने यहाँ, जनरल रिजर्व की या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल की हो या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की हो, उसके बाद जो कैपिटल आती है उसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल, और उसका हम निकालेंगे शेयर। तो इनकमिंग पार्टनर का कैसे निकालेंगे, स्टेप वन में तो बोला था मैंने तीनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकाल लीजिए, तो ये तीनों पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल आ चुकी है। तो स्टेप वन तो हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब स्टेप टू में मैंने आपको बताया था जो भी हमारे स्टेप वन के हिसाब से कैपिटल आई है, मतलब एम की कैपिटल, उसके बाद एन की कैपिटल और ओ की कैपिटल, तीनों को ऐड कर लीजिए। सबसे पहले 156,000 आई एम की कैपिटल, 84,000 आती है आपकी एन की कैपिटल, एंड ओ की कैपिटल आती है आपकी 42,000। तो अब क्या करना है आपको, इन तीनों को ऐड कर देना है, और ऐड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 82,000। ये आ जाता है आपका पूरे फॉर्म की कैपिटल कह सकते हो, सॉरी ए बी सी मतलब एम एंड ओ की कैपिटल कह सकते हो आप, 2,82,000 है। अब स्टेप टू में कैलकुलेट करनी है आपने पूरे फॉर्म की कैपिटल। फॉर्म्स कैपिटल कैसे निकालेंगे, हमारे पास ओल्ड पार्टनर की कैपिटल तो पता है हमें 282 है, अब हमें ओल्ड पार्टनर का शेयर भी चाहिए, तो ओल्ड पार्टनर का शेयर कैसे निकालेंगे, आपको पता है न्यू पार्टनर का शेयर क्या है, यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर है 1/6, जो नया पार्टनर आ रहा है 1/6 के लिए आ रहा है, ये क्वेश्चन में भी दिया था आपको। तो जो बचा हुआ शेयर है वो किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का होगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे। तो ओल्ड पार्टनर का शेयर कैसे निकालेंगे, जो रिमेनिंग है 1-1/6, क्योंकि टोटल शेयर होता है एक, एक में से 1/6 किसका है, नए वाले पार्टनर का, तो बचा हुआ जो 5/6 है वो किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर आता है 5/6। अब मुझे पता है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, मुझे पता है ओल्ड पार्टनर का शेयर, तो मैं इसके बेस पे पूरे फॉर्म की कैपिटल निकाल सकता हूं। तो कैसे निकालूंगा, ये निकालूंगा मैं 2,82,000 इनटू, मैंने बताया था जो भी पूरे तीनों पार्टनर की कैपिटल आई उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे मतलब अपोजिट करेंगे तो 6/5 आ जाता है, और ये आता है आपका कितना, ये आएगा 3,38,400 रुपीज, इतना आ गया आपका। अब क्या निकालेंगे आप, स्टेप टू भी हो चुका है, स्टेप थ्री निकाल लीजिए, मतलब इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल। इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल ये है पूरे फॉर्म की कैपिटल 3,38,400, इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकमिंग पार्टनर का शेयर मतलब 1/6, तो ये आ जाएगा आपका 56,400 रुपीज। तो अब नए पार्टनर की कैपिटल यहाँ पे लिख सकते हैं, और नए पार्टनर की कैपिटल कितनी आ जाती है, ये लिखेंगे आप बाय कैश के नाम से या बैंक के नाम से लिख लीजिए, बैंक या कैश एक ही बात है। तो ये आ जाती है कितनी, 56,400। अब क्या करना है आपको, बस बैलेंस निकाल देना है, और बैलेंस हमने लास्ट वाले पार्टनर का नहीं निकाला था, उसका बैलेंस भी निकाल लीजिए यहाँ पे, 56,400 आ गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं आप वर्किंग नोट नंबर टू, ये बना था हमारा वर्किंग नोट नंबर टू, एंड ये बना था हमारा वर्किंग नोट नंबर वन गुडविल के लिए। तो गुडविल क्या लिख सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर वन। अब क्या करना है आपको, बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है, तो बैलेंस शीट पे पहुंचते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिख दीजिए आप, और कैपिटल आती है 1,56,000 एम एन ओ बी, तीनों की कैपिटल लिख लीजिए यहाँ पे, चारों की 1,56,000, 84,000, 42,000 एंड 56,400। तो यहाँ पे मैंने देखा हमने सारी लायबिलिटी साइड हो गई है, इसके बाद हम लिखेंगे बैंक का आंसर एसेट साइड में। तो बैंक का बैलेंस निकालेंगे, तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, और मेरे पास जगह का अभाव है तो मैं कुछ यहाँ पे रब कर देता हूँ, तो मैं ये रब कर देता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं बैंक का बैलेंस। तो वर्किंग नोट नंबर थर्ड में यहाँ पे बना रहा हूँ बैंक का बैलेंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में चेक करिए कितना बैंक में पैसा है आपके पास, तो काफी सारा पैसा है यहाँ पे आपके पास, 34,000 रुपीज। अब इसमें ऐड करिए पैसा कहाँ कहाँ से आया, तो जो नया पार्टनर है वो कैपिटल कितनी लेके आया, वो कैपिटल लेके आया 56,400 रुपीज, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी।
बहुत सही कहा आपने। इसके बाद ऐड करेंगे वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया। प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था वो 30,000 रुपीज, जो मैंने एंट्री में बांट के भी दिखाया था, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए और ये आएगा आपका 1,20,400। 1,20,400 और यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1,20,400। अब आपको बस टोटल करना है और जो टोटल आना है आपका वो आना है बिल्कुल 5,04,000। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5,04,000 रुपीज। तो ये आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो पार्टनर्स की कैपिटल निकाली, नए पार्टनर की कैपिटल कैसे निकाली, वो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। सबसे पहले मैंने चेक किया कि तीनों की कैपिटल कितनी आ रही है, उन तीनों की कैपिटल को ऐड कर लिया और वो आया 2,82,000। उसके बाद स्टेप टू में हमने क्या किया, पूरे फॉर्म की कैपिटल निकाली इन तीनों की कैपिटल के बेस पे। मेरे पास इन तीनों की कैपिटल है, अब इन तीनों का शेयर चाहिए। शेयर कैसे आएगा, जो इनकमिंग पार्टनर है उसका शेयर दे रखा था 1/6। अगर मैं 1 में से 1/6 माइनस कर दूं तो बचे हुए पार्टनर का शेयर आ जाएगा, तो बचे हुए पार्टनर का शेयर आ जाता है 5/6। बचे हुए पार्टनर मतलब जो पुराने पार्टनर हैं, पुराने पार्टनर की कैपिटल इतनी है और शेयर है 5/6। तो मैं उसके बेस पे पूरे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करूंगा। 2,82,000 × 6/5 मैंने क्या किया इनके शेयर का, रेसिप्रोकल कर दिया। तो पूरे फर्म की कैपिटल आ जाती है यहाँ पे 3,38,400। अब मुझे स्टेप थ्री में क्या करना है, पूरे फर्म की कैपिटल में से नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो मैंने 3,38,400 × 1/6 जितना नए पार्टनर का शेयर है और वो आ गया 56,400 और मैंने उसको लिख दिया बाय बैंक के नाम से नए पार्टनर के कॉलम में और इधर बैलेंस आ गया 56,400। और मैंने आपको बता ही दिया था यहाँ मैंने पार्टनर्स के नाम चेंज कर दिए थे गलती से, MNOP की कर दिए मैंने और जो क्वेश्चन में दे रखे थे आपके LMNO दे रखे थे। तो नेम से आप चेक कर सकते हैं कि नाम चेंज है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट, आपकी कोई प्रॉब्लम हो इसमें मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो दोस्तों करते हैं वाले वीडियो आज यहीं पे खत्म। और मैं बता देता हूँ उससे पहले आपको, मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था आपसे, वो क्या पूछा था कि जब इनकमिंग पार्टनर गुडविल लेके आता है और उसको ओल्ड पार्टनर अगर विदड्रॉ कर लें, निकाल के ले जाएं, तो उस केस में क्या जनरल एंट्री बनती है। तो उस केस में जनरल एंट्री बनती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पे मैं एंट्री बता देता हूं आपको एक बार, क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट में इसलिए आता है क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, और बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं आप इसको। और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी कैपिटल कम हो जाएगी जितनी अमाउंट से गुडविल लेके जा रहे हैं। तो ये किसके कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइजिंग रेशो। तो ये होता है आपका लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। और आज की वीडियो का क्वेश्चन है आपके लिए, इन व्हाट रेशो द प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है वो हम कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।